नमस्कार। आज फेसबुक के माध्यम से मैं फिर एक बारी आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ। 8 अक्टूबर को कड़ा पत्थर में जिस तरह की सुनामी आप लोगों ने हम पूरे क्षेत्र को दिखाई दी, जैसा जन समर्थन और जैसा आदेश आप लोगों की तरफ से मेरे को आया था, मैंने 8 तारीख को नॉमिनेशन फाइल किया था। पिछले 5 दिन में मैं लगातार पूरे जुब्बल कोटखाई में नावर में मैं प्रवास किया और आप लोगों का स्नेह, आपका आशीर्वाद मुझे बहुत मिला और मैं इसका लिए हमेशा ऋणी रहूँगा। मैं आज आपको इस बात को बताता हूँ और कंफर्म करता हूँ। 13 अक्टूबर जो लास्ट डेट थी नॉमिनेशन विड्रॉल की, आज मैंने नॉमिनेशन पेपर अपना वापस नहीं लिया। मैं खड़ा था और खड़ा रहूँगा 30 अक्टूबर तक आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन से। मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ। स्वर्गीय निंदर बागटा जी, उन्होंने हमेशा सेब की लड़ाई लड़ी, वो हमेशा संघर्ष करते रहे, हमेशा बागवानी की और सेब के लिए। वो जिए भी सेब के लिए और उनका स्वर्गवास भी सेब के लिए हुआ। और आज भगवान के आशीर्वाद से कुदरत का एक और करिश्मा देखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो हमारे को चुनाव चिन्ह दिया है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, वो सेब दिया है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि सेब हमारा चुनाव चिन्ह है। आपका जो सहयोग, आपका जो आशीर्वाद जो मुझे पिछले महीने भर मिला है, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, 30 अक्टूबर को जब चुनाव होगा, आप सेब के सामने का जो बटन है उसको आप ज़रूर दबाएंगे। और जो निरेंद्र बागटा जी की जो विकास की गाथा थी, आपके आशीर्वाद से हम उसको आगे लेकर जाएंगे। मैं हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर पंचायत में आप तक पहुंचूंगा और मैं आप लोगों से संवाद करते रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिमाचल, जय जुबल नावरकोटखाई।